नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो वैरिसेला नाम के वायरस की वजह से होता है। यूजुअली चिकन पॉक्स 5 से 10 दिनों के अंतर पे अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। खासकर अगर कोई बच्चा वैक्सीनेटेड हो, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन ले चुका हो, तो उन बच्चों में चिकन पॉक्स की सीवियरिटी काफी हद तक कम दिखाई देती है या फिर उन बच्चों में चिकन पॉक्स पूरी तरह से होते ही नहीं। छोटे बच्चों में यूजुअली चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट के लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन, सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दी जाती है। खास तौर पर इसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई एंटीवायरल्स की यूजुअली छोटे बच्चों में ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, चिकन पॉक्स बहुत सीवियर हो चुके हैं, तो शायद आपके डॉक्टर आपको एंटीवायरल्स का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स की वजह से होने वाले डिसकम्फर्ट के लिए ट्रीटमेंट या ईजी होम रेमेडीज ज़रूर अवेलेबल होते हैं। चिकन पॉक्स में इचीनेस यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा होती है। इस खुजली को सूद करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जिससे इस खुजली को घर के अंदर ही कंट्रोल या सूद किया जा सकता है। अगर बच्चे को चिकन पॉक्स की वजह से बुखार बहुत तेज आ रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बच्चे को पैरासिटामोल देना चाहिए। इसके अलावा और कोई एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर पेन किलर्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। खास तौर पर आइब्यूप्रोफेन को चिकन पॉक्स के पेशेंट्स में पूरी तरह से अवॉइड करें। आइब्यूप्रोफेन की वजह से चिकन पॉक्स के पेशेंट्स में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। 16 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चों में एस्प्रिन का इस्तेमाल कभी नहीं करें। एस्प्रिन की वजह से छोटे बच्चों में राय सिंड्रोम नाम की एक सिंड्रोम हो सकती है। चिकन पॉक्स की वजह से होने वाली खुजली में खुजलाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। इस खुजली को अवॉइड करना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन चिकन पॉक्स की खुजली को ना खुजाएं। जितना हो सके उतना स्किन को नाखून ना लगाएं। इसकी वजह से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के नाखून काट दें। अगर रात को बच्चे खुजला रहे हैं तो रात को सोने के समय हाथों में मोजे डाल दें। जितना हो सके उतना बच्चों को खुजलाने से डिस्करेज करें। स्किन को काम करने के लिए, सूद करने के लिए बच्चों को ओटमील बाथ या पोटेशियम परमैंगनेट से नहलाएं। ये रेडिली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 दाने ही आधे बकेट पानी में मिलाएं और इस पानी से बच्चों को गले के नीचे नहलाएं। बच्चों को या एडल्ट्स में इचिंग कंट्रोल करने के लिए, इचिंग से अपने आप को सूद रखने के लिए कॉटन के कपड़े, लूज कपड़े पहने। अगर खुजली बहुत सीवियर हो रही है तो स्किन पे कैलामाइन का लोशन लगा सकते हैं। अगर इचिंग कैलामाइन के लोशन लगाने के बावजूद भी बहुत अनकंट्रोलेबल हो रही है तो आपके डॉक्टर से एंटी हिस्टामिन के बारे में ज़रूर पूछें। ये दवाइयाँ खुजली कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। चिकन पॉक्स में अगर बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है और बुखार 4 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कन्फर्म करें। अपने डॉक्टर से आइब्यूप्रोफेन या फीवर कम करने के लिए कोई भी दवाई देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। यूजुअली चिकन पॉक्स से कोई कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड नहीं होते, लेकिन कुछ रेयर केसेस में चिकन पॉक्स की वजह से निमोनिया और स्किन इन्फेक्शन काफ़ी हद तक सीवियर हो चुका है। ऐसे केसेस में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्रेन में कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन हो गई
जो चिकन पॉक्स में कॉम्प्लिकेशन की तरह देखा गया है, तो उन केसेस में एंटीवायरल्स का इस्तेमाल डॉक्टर कर सकते हैं। अगर चिकन पॉक्स की वजह से इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाए तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो जाता है। इसीलिए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को संपर्क करें और हॉस्पिटलाइजेशन करवाने से ना कतराएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें।